नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा बच्चा, बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में अभी आने वाले एग्जाम्स में हरियाणा पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बच्चा, जो पौधों में जो रोग होते हैं तो वो किस तत्वों की कमी के कारण होते हैं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत जल्दी आपके बाकी टॉपिक्स भी धीरे धीरे मैं लेके आऊंगा। तो चलिएगा, जो हमारा पहला जो है कि भी पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग, देखिएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो कंफ्यूजिंग होता है ये कि उसकी वजह से वहां भी हो गया उसकी वजह से, तो हम कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। देखिएगा, सबसे पहला बच्चा आपका कॉपर, कॉपर की वजह से आपका कौन सा रोग होता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर देखिएगा, कॉपर की वजह से बच्चा नींबू के अंदर रोग होता है। दो रोग होते हैं कॉपर की वजह से नींबू के अंदर, अगर कॉपर की कमी हो जाए तो। एक रोग है डाईबैक का भाई, काले काले चित्ते है हो जाते हैं, तो डाईबैक जिसको हम बोलते हैं नींबू में होता कॉपर की कमी से। कौन सा रोग है? डाईबैक। और एक रोग होता लिटिल लीफ भाई, मतलब कि पत्तों का छोटा हो जाना। कई नींबू के पेड़ का आपको पता होगा कि बड़े पत्ते होते हैं, मीडियम पत्ते होते हैं, लेकिन कईयों के बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते रह जाते हैं, उसकी वजह से फल के ऊपर भी आपका काफी असर पड़ता है। तो जो आपका पत्तों का छोटा होना है नींबू में, किसकी वजह से होता है? वो आपका कॉपर की वजह से होता है। हालांकि पत्ते छोटे अकेला नींबू के पेड़ में नहीं होते हैं, बाकी पेड़ों में भी पत्ते छोटे होते हैं, लेकिन बाकियों में और किसी वजह से वो रोग हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मत याद कीजिएगा, रटना नहीं है कि भी अगर पत्ते छोटे हो जाए किसी पेड़ के, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका कॉपर की कमी होगी। नहीं, अब ध्यान से देखो कि भी आम और बैंगन के जो पेड़ होते हैं उनमें भी आपका पत्ते छोटे हो जाते हैं, लेकिन आम और बैंगन में जो पत्ते जो छोटे होते हैं वो होते हैं जस्ते की कमी की वजह से। किसकी वजह से? जस्ते की कमी की वजह से। तो दोबारा ध्यान से सुनिएगा, नींबू के पेड़ के पत्ते छोटे होना किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। आम और बैंगन के अगर पेड़ के पत्ते छोटे हो जाए तो जस्ते की वजह से। और अब जस्ते की वजह से सिर्फ यही रोग नहीं होता है, अकि भी सिर्फ जिस पेड़ में जस्ते की कमी हो इसका मतलब कि उसके पत्ते छोटे हो जाएंगे, नहीं, अलग अलग पेड़ में जस्ते की वजह से अलग अलग रोग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमरूद, अमरूद में जस्ते की वजह से ब्रोंजिंग रोग हो जाता है। अमरूद में जस्ते की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाएगा बच्चा? ब्रोंजिंग रोग हो जाएगा, जबकि धान में खैरा रोग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जस्ते की वजह से तीन मुख्य रोग हैं, तीन अलग अलग पौधों में। धान की बात पूछे तो जस्ते से खैरा हो जाता है, अमरूद में ब्रोंजिंग हो जाता है, और जस्ते की वजह से आम और बैंगन के पत्ते क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि भी छोटे पत्ते भाई कॉपर की वजह से होते हैं, लेकिन छोटे पत्ते जस्ते की वजह से भी हो जाते हैं अलग अलग वे में। अब बात करते हैं हम नींबू। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये नींबू है ना, नींबू के अंदर एक और आपका रोग होता है जिसका नाम है येलो स्पॉट डिसऑर्डर। येलो स्पॉट उसके ऊपर बन जाते हैं इम्बैलेंस वे में। तो येलो स्पॉट जो डिसऑर्डर है नींबू के अंदर रोग, वो किसकी तत्व की कमी की वजह से होता है? मोलीबडेनम की कमी से। किसकी वजह से? मोलीबडेनम की कमी से। लेकिन मोलीबडेनम की कमी से फूल और गोभी में विपटेल का भी रोग हो जाता है, जो पूछ है वो आपकी छोटी हो जाएगी। ध्यान दो, मोलीबडेनम से दो मुख्य फसलों में अलग अलग रोग होते हैं। अगर मोलीबडेनम की कमी हो जाए किसमें? नींबू में, तो रोग कौन सा हो जाएगा मोलीबडेनम से नींबू में? येलो स्पॉट डिसऑर्डर। लेकिन अगर यही तत्व फूल गोभी में कम हो जाए तो वहां पर रोग कौन सा हो जाएगा? विपटेल हो जाएगा। तो बच्चों, एक ही तत्वों की कमी से अलग अलग पौधों में अलग अलग रोग होते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से आपने समझ लेना है। उसके बाद देखिएगा बच्चा, बोरोन की कमी से कहां कहां कौन कौन सा रोग होता है। अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन बेहद इंपॉर्टेंट तत्व होता है न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आंवला होता है हमारा, आंवला आप लोग खाते होंगे है ना, एंटी एजिंग भी होता है आंवला है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, बहुत सारे लोग आंवला का यूज करते हैं सुबह शाम। तो आंवले की वजह से निक्रोसिस रोग होता है। कौन सा रोग है? निक्रोसिस रोग होता है आंवले में बोरोन की कमी से भी। राइट,
और सेम बोरोन की कमी से अंगूर में डिसऑर्डर हो जाता है मिलरेंज का, अरुंग अंगूर में क्या हो जाता है मिलरेंज का डिसऑर्डर हो जाता है, और कटहल के अंदर अक्षय रोग हो जाता है जो उसकी मसल्स, जैसे ह्यूमन बॉडी के मसल्स होते हैं ना, तो उसके जो टिश्यूज हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं कटहल में, किसकी वजह से बोरोन की वजह से। देखो ज्यादा हैवी बोरी अगर हम बांध लेते हैं तो हमारी मांसपेशियां टूट जाते हैं ना, इस प्रकार से टिश्यूज टूटना हो जाता है, या भी अपना निक्रोसिस, निक्रोनिक से क्या होगा नेक, नेक ज्यादा बोरा अगर हम सिर के ऊपर रख लेते हैं तो नेक में दर्द हो जाता है, तो निक्रोसिस हो गया, डिसऑर्डर हो जाता है माइल रेंज, माइल मतलब मील जो हमारा दूरी का होता है ना, माइल रेंज कि भी हम ज्यादा मील रेंज मतलब कि ज्यादा दूरी हम तय नहीं कर पाते ज्यादा हैवी बोरी के कारण। तो किसी भी प्रकार से रखिएगा फूल गोभी। अब फूल गोभी अंदर मैंने बताया था मोलिब्डेनम की वजह से आपका विपटेल का रोग होता है, लेकिन अगर फूल गोभी में बोरोन की कमी हो जाए तो वो ब्राउनिंग ब्राउनिंग हो जाते हैं, उसका कलर ब्राउनिंग हो जाएगा, तो वो भी एक कमी है। चुकंदर के अंदर हार्ट रोट हो जाता है, चुकंदर के अंदर क्या हो जाता है हार्ट रोट आपका हो जाएगा चुकंदर के अंदर। देखो ब्रोइंग ब्रो बोरो है ना, ब्रोइंग से बोरो है ना, टिश्यू टूट जाएंगे भाई, ज्यादा नहीं चल पाएंगे हम बोरी की वजह से है ना, नेक में दर्द हो जाता है, मतलब इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, मैंने तो इसी वे में याद रखा हुआ है कि बोरोन बोरी से क्या हो जाएगा नेक में दर्द हो जाएगा, नेक का मतलब आंवला, डिस माइल रेंज मतलब ज्यादा मील हम चल नहीं पाएंगे, ये माइल रेंज कहाँ होगा अंगूर में होगा, टिश्यूज टूटना शुरू हो जाते हैं भाई, हमारी मांसपेशियां टूटना शुरू हो जाती हैं भाई, ब्राउनिंग ब्राउन बोरो ब्राउनिंग याद रख सकते हैं, हार्ट रोट कि भाई इतना सारा हार्ट हमारे को हार्ट रोट भी हो है चुकंदर के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने है पोटाशियम। देखो बच्चा पोटेशियम की वजह से क्या होता है, जिस भी पौधे में पोटेशियम की कमी पाई जाएगी उसके पत्तों का जलना शुरू हो जाता है, मतलब पत्ते अपने आप ही पीले पड़ जाएंगे, उसके बाद सूखना शुरू हो जाएंगे मतलब जलना शुरू हो जाएंगे, किसके खासकर पत्ते लीची के भी। देखोगे जब भी आप लीची अगर मार्केट से खरीदते हो तो अगर उसके पत्ते जले हुए हैं तो आप समझ लेना उसके अंदर कौन से तत्वों की कमी है, पोटाशियम की कमी है भाई, पोटाशियम पोटाशियम पी से पोटाशियम और पी से ही पत्ते है ना, तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं पोटाशियम पत्ते। फिर अभी फूल गोभी, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है लेकिन बच्चे ना रट लेते हैं एक दो चीजों को, लेकिन आपने रटना नहीं है। फूल गोभी के अंदर तीन रोग मेनली आपको मिलते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, एक रोग का नाम है ब्राउनिंग, दूसरे रोग का नाम है बटनिंग, और तीसरे रोग का नाम है विपटेल। तीसरे रोग का नाम क्या है, विपटेल। विपटेल किसकी वजह से होता है, मोलिब्डेनम की वजह से की कमी से, मैंने बताया अभी आपका। बटनिंग, बटनिंग किसकी कमी से, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो बटनिंग रोग हो जाएगा। फिर उसके बाद बोरोइंग, बोरोइंग किसकी कमी से, ब्राउनिंग किसकी कमी से, अभी मैंने बताया बोरो ब्राउन है ना, बोरोन की वजह से ब्राउनिंग हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, तो तीन रोग होते हैं विपटेल बटनिंग और आपका ब्राउनिंग। उसके बाद दिखेगा मटर, मटर के अंदर दिखेगा रोग कौन कौन से मिलेंगे मटर के अंदर, बच्चा मटर के अंदर आपको मटर, मटर के अंदर आपको कौन कौन से रोग मिल जाएंगे, मटर के अंदर बच्चा आपको रोग मिलेंगे, एक तो मार्स रोग होता है, एक आपका व्हाइट रोट होता है, एक आपका कौन सा व्हाइट रोट, अभी हमने पढ़ा था हार्ट रोट भी होता है। हार्ट रोट किस में होता, हार्ट रोट वो होता चुकंदर में, किस में होता चुकंदर में, किसकी वजह से, बोरोन की कमी की वजह से। लेकिन हार्ट के जैसा एक व्हाइट रोट भी होता है मटर में, ये किसकी वजह से होता है, फफूंद की कमी से, फफूंद से बहुत सारे रोग होते हैं, तो फफूंद से मटर में व्हाइट रोग हो जाएगा, और आपका मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता, मैसे मटर मार्स रोग हो जाएगा मैग्नीज की कमी से। और अगर मैग्नीज की कमी चुकंदर में हो जाए, अगर मैग्नीज की कमी चुकंदर में हो जाए तो वहां पर चित्तीदार पीला रोग हो जाता है, कैसा रोग बच्चा, मैग्नीज की कमी से चित्तीदार पीला रोग आपका हो जाएगा चुकंदर में। फिर बच्चा आलू के अंदर, आलू के अंदर देखिएगा एक ब्लैक हार्ट आपको रोग होता, ब्लैक हार्ट, ब्लैक वो ब्लैक किस हो जाते हैं आलू, बीच में से आपने देखा होगा अंदर से भी कई बार आलू देखने को मिलते हैं ब्लैक ब्लैक से, वो किस वजह से होते हैं,
अगर आप जब भी आलू को गोदामों में रखते हो और उनके जो भंडारण की क्षमता है, अगर वो आपकी भंडारण की क्षमता में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए गोदामों में, लंबे लंबे गोदाम होते हैं, अगर वेंटिलेटर सही से नहीं, ऑक्सीजन का आना जाना सही नहीं है, मतलब कि सही से उसके अंदर नहीं जा रही ऑक्सीजन, तो बच्चा आलू कैसा हो जाएगा, ब्लैक टाइप सा हो जाता है, उसको ब्लैक हार्ट रोग बोलते हैं। अब ऐसे ही कपास में ब्लैक आर्म रोग होता है, जैसे आपका यहाँ पर ब्लैक हार्ट होता है, यहाँ पर ब्लैक आर्म होता है। ब्लैक आर्म किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, किसकी वजह से बच्चा, बैक्टीरिया की वजह से आपका क्या रोग हो जाता है, कपास में ब्लैक आर्म भी। फिर देखो फफूंद, अभी मैंने आपको बताया था कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फफूंद से, तो फफूंद की वजह से धान में रोग होता है, उसका नाम है जोंका। कैसा रोग है, जोंका, पत्ते पीले हो जाते हैं धान के, जोंका रोग हो जाता है, जिसको हम जोंका बोलते हैं धान में। फफूंद की कमी से ही बाजरा में इरगट रोग हो जाता है, बाजरा में कौन सा, इरगट रोग, और गन्ने में कौन सा, रेड रोट भाई, गन्ने में कौन सा, रेड रोट। देखो अब ये रोट से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, रोट रोट, एक रेड रोट हो गया गन्ने में, किसकी वजह से, फफूंद की कमी से, किसकी वजह से बच्चा, फफूंद की कमी से। एक मैंने पहले अभी बताया था हार्ट रोट, हार्ट रोट किसमें होता है, वो आपका चकुंदर में होता है, किसकी वजह से, बोरोन की कमी की वजह से। और एक अभी मैंने आपको यहां पर आपको बताया था व्हाइट रोट, आपका फफूंद की वजह से होता, किसमें, मटर में बच्चा, किसमें होता है, मटर में, फफूंद की वजह से, है ना, कौन सा, तो यहीं पर मैं ऐड ऑन कर लेता हूं, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि फफूंद की वजह से आपका वाइट रोट हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, मटर के अंदर भाई, किसमें, मटर में। तो देखिएगा मटर कितना सारा इंपॉर्टेंट है, कि फफूंद कितना सारा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कितने सारे रोग होते हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग उससे भाई, राइट। लेकिन फफूंद गन्ने में हो जाए तो रेड रोट होगा, अगर फफूंद मटर में हो जाए तो कौन सा रोग होगा, व्हाइट रोट होगा, धान में हो जाए तो लीफ ब्राउन हो जाएंगे, जोंका हो जाएगा, और बाजरे में हो जाए तो इरगट हो जाएगा। देखो बच्चों इनको बार बार पढ़ने से ही चीजें याद होंगी, बार बार जितना पढ़ोगे। अब गाजर के अंदर एक होता कैविटी स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं कैविटी स्पॉट, जो छल्ले होते हैं ना गाजर के, जैसे तने के छल्ले होते हैं ऐसे उसके छल्लों में स्पॉट बन जाते हैं, तो उसको हम क्वार्टर स्पॉट भी बोलते हैं। अब क्वार्टर स्पॉट किसकी वजह से होता है, गाजर में कैल्शियम की कमी की वजह से, किसकी वजह से, गाजर में कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही है, और अपनी एग्रीकल्चर की जो हमारा पशुपालन वाली जो ये वाली बुक है ना, ये मार्केट में हर जगह पर आपके अवेलेबल हो गई है, तो जहां से आप खरीदना चाहो खरीद सकते हैं, बेहद मतलब कि इंपॉर्टेंट बुक है। अभी आपके आने वाले एग्जाम्स में लगभग हर हरियाणा में जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां पर हर जगह पर ये आपको मिल रही है। दूसरा, अगर आपको फिर भी ये लगे कि ना मिल रही है, तो अपने टेलीग्राम में ना जहां जहां ये बुक मिलती है जिस शहर में, उसका मैंने फोन नंबर डाल रखा है और उसको पिन कर रखा है, तो वहां से अपने शहर का नंबर लीजिएगा और कॉल कीजिएगा कि ये वाली बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं तो अगर नहीं तो किसी से फोटोकॉपी वगैरह करवा के मतलब पढ़ लीजिएगा, ये सारी की सारी बातें उसी में लिख रखी है, वहीं से मैं आपको ये टीच कर रहा हूं। तो चलो बच्चा आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।